कानपुर के शहर में एक अक्षरा नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और एक झोपड़ी में रहती थी। अक्षरा की टूटी फूटी झोपड़ी में से पानी भी टपकता रहता था। अक्षरा लोगों के घर में काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी, जिससे वो अपना और अपनी बेटी नायरा का पेट भर लिया करती थी। नायरा भी बहुत छोटी बच्ची थी, इसीलिए अक्षरा अपने साथ काम पर कभी कभी नायरा को ले जाया करती थी। एक दिन अक्षरा अपनी बेटी नायरा को अपने साथ काम पर ले जाती है। नायरा अक्षरा के पीछे पीछे घूमती रहती है। तभी वहाँ पर अक्षरा की मालकिन स्वर्णा आती है। अरे अक्षरा, तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी और सुंदर है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम्हें किसी चीज की कमी लगे तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। स्वर्णा नायरा को ढेर सारी चॉकलेट्स देकर चली जाती है। अक्षरा घर का सारा काम कर रही होती है। काम करते करते अक्षरा की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। हे भगवान, आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी तबीयत तो खराब हो रही है, ऊपर से चक्कर भी आ रहे हैं। इस हालत में मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी, ऊपर से मेरे साथ मेरी बच्ची भी है। शाम को अक्षरा घर का सारा काम करके अपनी बेटी नायरा के साथ वापस घर जा रही होती है। तभी नायरा कहती है, मम्मी मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम दिलाओ ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। अक्षरा नायरा को आइसक्रीम दिलाने के लिए सड़क की दूसरी तरफ जा ही रही होती है, तभी अचानक से सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक तेजी से आता है और उन्हें टक्कर ट्रक लगने से अक्षरा की मौत हो जाती है। लेकिन अक्षरा की बेटी नायरा को काफी गहरी चोट लग जाती है, लेकिन वो बच जाती है। नायरा दर्द से तड़प रही होती है। तभी अक्षरा की आत्मा निकलती है और नायरा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। नायरा की हालत देखकर डॉक्टर तुरंत नायरा का इलाज करते हैं। थोड़ी देर बाद अक्षरा अपनी बेटी नायरा से मिलने जाती है, लेकिन तभी हॉस्पिटल के अंदर एक व्हीलचेयर पर डॉक्टर के सामने अक्षरा की लाश आती है। लाश को देखते ही डॉक्टर अचंभित रह जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, ये औरत तो अभी अभी अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आई थी, लेकिन अचानक से ये लाश कैसे बन गई? इसका मतलब ये है कि ये औरत मर चुकी थी और खुद ही अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर आई है। हे प्रभु, माँ की ममता भी अनोखी होती है। मरने के बाद भी वो अपने बच्चे को दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। इस दुनिया में माँ का दर्जा अलग ही है, माँ के जैसी ममता कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर की ये बात सुनकर नायरा एक तरफ खड़ी होकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अचानक से अक्षरा वहाँ से गायब हो जाती है। जब वो डॉक्टर नायरा को देखने के लिए उसके पास आता है तो देखता है कि नायरा कितनी प्यारी सी बच्ची है। डॉक्टर को नायरा पर तरस आ जाता है और वो नायरा को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे अपनी बेटी की तरह परवरिश देता है और नायरा को पढ़ा लिखा कर उसे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनाता है। ये सब देख कर अक्षरा की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में लिख के हमें बताएं कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में।